कति काव्य रसा संति, इतने काव्य रस हैं, इनमें से तीन का नाम बताना है आपको। मान संशय इत्य से किम अर्थ द्वयम् सके थे, इसके अर्थ क्या है। मान मान सरोवरस्य हंसे और मनोरूपिणी हंसे। अगला है सिपन का जाम, इसके हमको पर्याय बताने हैं, क्या आप अच्छे से जानती हैं, इनको याद करना है। छोटे लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपको याद करना है। अब है द्वितीय पाठ। द्वितीय पाठ के अंतर्गत पाठ का जो शीर्षक है, द्वितीय पाठ उसका जो शीर्षक है वो है संज्ञेय शक्ति। संज्ञेय शक्ति का मतलब जानती हूँ भगवान संगठन में शक्ति। संज्ञेय शक्ति कलयुग, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। हमें इसको बार बार में अभ्यास करना चाहिए कि संगठन एक 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 मन वाले होकर के ही हमें कार्य करना चाहिए। यदि हम कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हम कर सकते हैं एक मन वाले होकर के तो, और यदि हम हमारा मन अलग अलग है तो हम परिवार में यदि कोई विपदा आएगी तो वो विपदा हल नहीं हो पाएगी। यदि हमारे अंदर सबके मन एक हुए, संगठन हुआ, तो हमारा कोई सा भी कार्य आसानी से सफल हो सकता है। ये हमें यह पाठ पढ़ने के बाद में हमें ये शिक्षा देता है कि हमें संगठन में रहना चाहिए और एक मत वाला बनकर के रहना चाहिए। देखिए नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है, ए लीज हुई थी। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश नाम का यह ग्रंथ बहुत श्रेष्ठ है एवं ही सुनित ऐसा सुना जाता है। नारायण शर्मा नामा, नारायण शर्मा नामा पंडित है, पाटलिपुत्राधिपते सूत्रान। नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्र के राजा राजा के सुतान यानी पुत्रों को नीति शास्त्र बोधयितु नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इमं ग्रंथम रचयामास है, इस ग्रंथ की रचना की। नीति कथा साहित्य जो हितोपदेश है वो बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है, ऐसा माना गया है, ऐसा जाना गया है। नारायण शर्मा नाम के पंडित ने इस हितोपदेश ग्रंथ के रचयिता कौन, नारायण शर्मा। तो नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्र के राजा के बेटों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। स्वयंवरों के प्रभाव में सहल्या अपने मन को जानने वाले प्रभाव में सहली से अयम ग्रंथ है, यह ग्रंथ प्रभाव में स्वयं मनोज्ञ है प्रभाव में सहल्या अयम ग्रंथ है लोके स्वति सिद्धम भाव है। स्वयं मनोज्ञ सिद्धि भाव है, यह इस ग्रंथ ने संपूर्ण संसार में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त किया। सरल भाषा से अश्विनी ग्रंथ ही इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथा नाम आधारित पंचतंत्र आदि ग्रंथों का आधार करके मतलब उसको आधार बना करके पशु कथा नाम संग्रहो अस्ति, पशु कथाओं का संग्रह किया है। हितोपदेश से चतुराय परिच्छेदा उपलब्धते, हितोपदेश के चार परिच्छेद प्राप्त होते हैं। मित्र लाभ है, सुहृद भेद है, विग्रह है, संधि से प्रस्तुतो अयम पाठ है। पहला यह पाठ मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम है, प्रथम कक्षाया संपादितो से असो विद्यते। प्रस्तुत यह पाठ मित्रलाभ परिच्छेद के प्रथम परिच्छेद परिच्छेदस्य प्रथम कथाया परिच्छेद के प्रथम कथा का संपादितो अंशो विद्यते, संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे गुरुणाम अवज्ञाया, इस पाठ में गुरु की अवज्ञा करने से उसका तिरस्कार करने से एक ही भूय कृत प्रयास से फलम वर्णित अस्ति। गुरु की अवज्ञाया एक ही भूय कृत प्रयास से फलम वर्णित। अवज्ञा का मतलब क्या होता है, अपमान करने के बाद गुरु का अपमान करने पर और एक मत वाले हो एक ही भूय कृत प्रयास से है, एक मत वाले होकर के जो प्रयास किया उसका उसके फल का वर्णन किया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञा कृत्वा, चित्रग्रीव की अवज्ञा करके उसका तिरस्कार करके कपोतः जालबद्धः संजाता।
और उन्होंने कहा सब एक
बार कदाचित यानी कभी अवसन्नायाम रात नवरात्रि के समाप्त हो जाने पर भगवान कुमुदिनियों के नायक भगवान चंद्रमा के अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित हो जाने पर अर्थात अस्त हो जाने पर चंद्रमा अस्त हो गया, रात्रि समाप्त हो गई तो चंद्रमा जी अस्त हो गए हैं। अस्त हो जाने पर लघु पतनक नामा वायस है प्रबुद्ध है, लघु पतनक नामक कौवा जागा। समझाया अच्छा यानी इसके बाद कदाचित यानी कभी अवसन आया मैंने रात्रि के रात्रों अवसन आया अवसन आया मैंने मतलब बीत जाने पर रात्रि के समाप्त हो जाने पर कुमुदिनियों के नायक कौन चंद्रमा जल में बसे कुमुदिनी चंदा बसे आकाश जो जाई के भाव का तो ताई के पास। आपको पता है कमलनी है वो क्या करती है चंद्रमा को देख करके खिलती है, हैं जल में बसे कुमुदिनी चंदा बसे आकाश तो उसका नायक कौन हो गया चंद्रमा और नायिका कौन हो कुमुदिनी कमलनी। समझा गया तो कुमुदिनियों के नायक चंद्रमा के अस्त हो जाने पर अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित हो जाने पर लटक जाने पर अर्थात उसके अस्त हो जाने पर लघु पत्न के नाम का कौवा जागा। आ गया कृतांतम इव द्वितीय आयांतम, कृतांतम इव मतलब होता है यमराज के समान, द्वितीय में दूसरे यमराज के समान, आयांतम यानी आते हुए, व्यादम यानी शिकारी को ऐ पश्चात यानी देखा, यमराज दूसरे यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोक्य तो मैंने उसको अवलोकन देख करके ऐ चिंतित यानी सोचने लगा, अग्रे आज प्रातरे यानी प्रातः काल ही अनिष्ट दर्शनम जातम, अब सगुण हो गया है अनिष्ट दर्शन हो गया है, मैं जाने किम अनभिमतम दर्शिष्यति मैं जाने यह क्या अनिष्ट दिखलाएगा। अतः कदम शरण क्रमेण उसके पीछे चलने के क्रम से पीछे चलने से व्याकुल चलित है, उसके पीछे चलने से मैं व्याकुल होता हुआ चलने लगा चल पड़ा। आपको सुनिएगा गोदावरी नदी किनारे एक साल से अमल का वृक्ष है, अनेक देशों और दिशाओं से आकर के रात्रि में पक्षी वहां निवास करते हैं। इसके बाद में कभी रात्रि के समाप्त हो जाने पर कुमुदिनियों के नायक भगवान चंद्रमा के अस्त हो जाने पर लघुपत नामक वायस जागा कौवा जागा और उसने दूसरे यमराज के समान दूसरे आते हुए शिकारी को देखा। उसको देखकर के वह सोचने लगा आज प्रातः काल ही अनिश्चित दर्शन हो गया है, अब शकुन हो गया है, मैं जाने ये क्या अनिश्चित दिखलाएगा। अतः कदम अनुसरण क्रमेण उसका उसका अनुसरण करने से उसका पीछे करने से व्याकुल से व्याकुल होता हुआ चल पड़ा।